नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होलिस्टिक फिटनेस विद ट्रांजी। दोस्तों आज का वीडियो है 8 योगा आसनास दैट यू मस्ट डू डेली। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी फिटनेस लेवल के हैं, आप कोई भी वर्कआउट करते हैं या फिर आप वर्कआउट करते ही नहीं हैं, आप सेडेंट्री हैं, आपको ये 8 योगा आसनास डेली करना चाहिए टू मेंटेन योर हेल्थ, फिटनेस लेवल, जॉइंट हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्वेश्चन। ओके, हर आसन हम करेंगे 30 सेकंड्स के लिए और ब्रेक लेंगे 20 सेकंड्स का। इस रूटीन के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक योगा मैट। वो भी अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्ट सरफेस पे ये रूटीन कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट का रूटीन है, उससे ज़्यादा का नहीं है, तो आपके बिजी लाइफस्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आसन बहुत ही अच्छा आसन है, भुजंग आसन। इसके लिए आपको टमी पे यू हैव टू लाई डाउन लाइक दिस, टोज अवे फ्रॉम योर बॉडी, पाम्स को आपको चेस्ट के पास रखना है, रोल योर शोल्डर्स बैक, फोरहेड टू द मैट, स्क्वीज योर हिप मसल्स, एब, एंड देन आपके स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप ऊपर आएंगे और स्लोली सांस बाहर छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग बहुत टाइम तक ऑफिस में, घरों में बैठे रहते हैं, काम करते हैं, उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। आपके जितने पोस्चरल डिफेक्ट्स हैं, कुछ भी मसल इम्बैलेंस है, वो भुजंग आसन से स्लोली डेली प्रैक्टिस करने से दूर हो सकता है। लास्ट रेपिटेशन। एंड नेक्स्ट जो आसन है उसका नाम है सेतु बंद आसन, जिसको हम हिप ब्रिज बोलते हैं। आपको लेटना है आपके बैक के ऊपर, आर्म्स को साइड पर रखेंगे हम, और यहाँ से हम लिफ्ट करेंगे अपने हिप्स, एब्स को स्क्वीज करिए, हिप्स को स्क्वीज करिए। ये आसन जो है वो आपके कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए है, आपके बैक के स्ट्रेंथनिंग के लिए है, आपके लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए है और हिप्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए है। अगेन, जो लोग बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि वो ये आसन रोज करें। नेक्स्ट आसन जो है उसका नाम है शलभ आसन। उसके लिए आपको एक बार फिर से टमी पे आना है। ओके, हाथों को हम ऊपर रखेंगे। ओके, टक आउट योर टोज, फोरहेड टू द मैट, रेज योर अपर एंड लोअर बॉडी टुगेदर। नेक्स्ट आसन जो है उसका नाम है फलक आसन, जिसको हम प्लैंक भी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा है आपके कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए। हाथों को आप शोल्डर्स के नीचे रखेंगे, लेग्स को आप शोल्डर विथ अपार्ट, इस तरीके से आपको ये पोजीशन होल्ड करना है। चलिए, आप में से जो लोग ये नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में नीज को डाउन करिए, इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं आप ये आसन। जैसे आप में स्ट्रेंथ आएगा आप नी स्ट्रेट करिए, लेग्स ऊपर, एंड देन यू कैन इजीली होल्ड दिस आसन। शोल्डर स्ट्रेंथ भी इससे इंप्रूव होगा, आपका कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, बहुत बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट आसन बहुत ही जरूरी आसन है, अंजनी आसन। ओके, इसके लिए आपको एक पैर आगे रखना है, एक पैर पीछे रखेंगे, ऑलराइट। और यहाँ से हम, अगर आपको बैक पेन है तो आपको मॉडिफाइड वर्जन बताती हूँ। हाथों को ऊपर रखिए, लुक अप इफ यू कैन, अगर आप ऊपर नहीं देख सकते हैं तो सामने देखिए।
यही आसन हम दूसरे लेग पे भी करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से आराम से करेंगे। आपके हिप फ्लेक्सर मसल जो टाइट हो जाते हैं बहुत देर तक बैठने पे, उनका स्ट्रेचिंग होगा इसमें। अगर आपको कोई एसोसिएटेड बैक पेन है वो जा सकता है। याद रखिएगा, बैक पेन है तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, सामने देखिए, ब्रीथ। आपको इस साइड पे स्ट्रेच फील होगा आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स में, जो कि बहुत देर तक बैठने पे एकदम टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से आपको हो जाता है बैक पेन। नेक्स्ट आसन जो है वो फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए है, कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, अधोमुखश्वासन, जिसको हम डाउनवर्ड डॉग बोलते हैं। इस पोजीशन से हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे। अगर आपको लगता है कि आपके हैमस्ट्रिंग्स बहुत टाइट है, आपके हील नहीं हो रहे हैं, तो आप बेंड कर सकते हैं और आप हील पे भी इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो दिस इज द आइडियल पोजीशन। सांस आपको लेते रहना है, सांस रोकिएगा नहीं। नेक्स्ट आसन है मल आसन, जिसको हम गार्लैंड पोज भी बोलते हैं, डीप स्क्वाट भी बोलते हैं। उसके लिए आपको इस पोजीशन में बैठना है, पेट को अंदर रखेंगे, नीचे आएंगे, अपने एल्बो से इनर थाइस को थोड़ा आउट करेंगे और सामने देखेंगे। आजकल क्या हो गया, हम लोग चेयर्स पे बैठते हैं, सोफा पे बैठते हैं, नीचे बैठने की आदत ही नहीं है। इस वजह से हमारी हिप मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। ओके, और बॉडी में बहुत इम्बैलेंस हो जाता है, मसल इम्बैलेंस होता है, एक पेन्स होते हैं। अगर आप मल आसन रोज़ करेंगे तो आपकी लोअर बॉडी, सारे जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, हिप मोबिलिटी मेंटेन रहेगा, तो फिर से आपको बैक पेन भी नहीं होगा। लास्ट योगा आसन मेरा फेवरेट योगा आसन है, जिसका नाम है कैट कैमल, जिसको बोलते हैं। बहुत ही अच्छा आसन है स्पाइन को डिस्ट्रेस करने का। ओके, सो इस ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन रहेगा। सांस लेते हुए ऊपर देखेंगे, आर्च करेंगे बैक को, और सांस बाहर छोड़ते हुए राउंड करेंगे। ब्रेथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट है ये। अगेन, अगर आपको कोई भी बैक पेन है, आप बहुत टाइम तक बैठे रहते हैं, तो आपको ये ज़रूर करना है। तो दोस्तों, ये थे आपके 8 योगा आसन दैट यू मस्ट डू डेली। ओके, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके बॉडी के एक्स एंड पेन्स चले जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगा, मोबिलिटी इंक्रीज होगा, जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत शॉर्ट रूटीन है, बहुत आराम से आप अपने डेली लाइफ में भी इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एवरी सैटरडे 6 PM IST। टिल वी मीट अगेन एवरीवन, नमस्कार, टेक केयर, बाय।